हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस गुड मॉर्निंग सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मार्केट गैप डाउन हो सकता है कि नहीं, गैप डाउन होने के बाद आपको क्या रणनीति बनाना है। तो दोस्तों, कल जो हमारा क्लास खत्म हुआ है 25 दिसंबर का, उनका स्टूडेंट का क्या फीडबैक रहा है उसका वीडियो आज पोस्ट होगा, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एंड बिना सीख के ट्रेड करने से क्या होता है और सीखने के बाद कोर्स करते करते कितने प्रॉफिट उन लोग कमा चुके हैं, इसका भी फीडबैक आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आज दोपहर के बाद वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें क्या रणनीति बनाना चाहिए। सबसे पहले लेके चलूंगा मैं आपको टेक्निकल चार्ट में गैप डाउन क्यों ओपन होगा, क्या इसका पीछे कारण है, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, जिन लोग अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं, देखिए सब्सक्राइब करना ना करना फुल्ली आपको ऊपर डिपेंड करता है, मैं हमेशा बताता हूँ। तो बेल आइकन दबाएंगे तभी ये वीडियो जब 8:30 में पोस्ट हो रहा है तो 9 बजे तक आप इसे देख लेंगे। ओके, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बज रहा है 8:10 और ये वीडियो मैं बनाने बैठ रहा हूँ और 8:20 या 30 मिनट तक मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबा के रखिए। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, कोई फालतू बकवास वाला वीडियो यहाँ पे नहीं होता है, आपको इंटरडे के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स का काम आने वाला वीडियो ही रहता है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे जो हैमर कैंडल, बढ़िया एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन डिपेंड होता है एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर। तो हम फिलहाल इस अभी के टाइम पे हम देख पा रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी जो डाउन है वो 88 पॉइंट डाउन है। ओके, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, चल रहा है अभी 14,090.4089 यहाँ पे चल रहा है। तो इसका हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो निफ्टी का फ्यूचर है, ये फ्यूचर कहाँ पे चल रहा है, 14165। ओके, 14165, तो इसके कहाँ पे ओपन होने का चांसेस है, तो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन लगाएंगे कि ये फ्यूचर कहाँ पे आपको ओपन हो सकता है। ठीक है, तो इस फ्यूचर का हमारा ये फुल टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आपको किस जगह पर ओपन हो सकता है इसको देखने के लिए। तो चलिए दोस्त, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर जो है, फ्यूचर आपको अगर ओपन होता है 1483, ठीक 1483, यानी कि यहाँ से 80 पॉइंट के नीचे, तो फ्यूचर को आपका जो सपोर्ट ले सकता है, फ्यूचर जो सपोर्ट ले सकता है वो 1483 के करीब सपोर्ट ले सकता है। मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करता हूँ और आपको ये चीज़ देखना है कि फ्यूचर जो सपोर्ट ले रहा है 1483 के पास, यहाँ पे आपको रहेगा लगभग 14,080 से 83 के पास, लगभग इस जगह पे यहाँ पे अगर ओपन होता है तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 14,080, ठीक है 14,080 ये सपोर्ट रहेगा। हो सकता है कि आपको 14075, मैं यहाँ पे फ्यूचर का एक कैलकुलेशन कर देता हूँ, इसके हिसाब से आप कैश मार्केट का भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर थोड़ी सी डाउन आता है और 80 के आसपास से ये सपोर्ट लेके बाउंस आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट 5 मिनट वेट करना चाहिए। ओके, फर्स्ट 5 मिनट पर जरूर वेट कीजिए, फर्स्ट 5 मिनट देखिए कैंडल कहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, क्या लो बनाया है, अब ये जो लो बनाया है इस लो बना के ये रिकवरी हो रहा है कि नहीं। अब जैसी रिकवरी होगा इस हाई को ब्रेक करेगा तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 14,100 का कॉल को बाइंग कीजिए। ठीक है, 14,100 को कॉल को बाइंग कीजिए, जिसका प्राइस लगभग उस टाइम पे आपको 50 रुपीज के आसपास मिलना चाहिए। अब उसे बाइंग करने के बाद इमिडिएटली आपको 70 रुपीज का टारगेट यहाँ से मिल सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ कि 5 मिनट का कैंडल को देखिएगा क्या लो बना रहा है, बनाने दीजिए। अगर ये 14,080 से नीचे, मान लो ये जो कैंडल बनाए 5 मिनट, ये कैंडल आपको जो लो बना दिया है, ये लो 14,080 से नीचे है। ठीक है, सेकंड कैंडल इसका लो को ब्रेक कर रहा है, सेकंड कैंडल इसका लो को ब्रेक कर रहा है, तो क्या करेंगे, सेकंड कैंडल लो को ब्रेक करेगा तो दोबारा ये कहां तक गिर सकता है, 14,040 तक डाउन आ सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे दो लेवल डाउन साइड के लिए दिया हूँ और फिर से यहाँ से आपको यही देखना है कि हर एक 5 मिनट का चार्ट क्या डाउन बना रहा है। जब एक 5 मिनट का चार्ट को हाई को ब्रेक हो जाएगा तब आपको कॉल साइड में जाना है, अदरवाइज 14,080 जो फ्यूचर का रेट, बार बार बता रहा हूँ फ्यूचर का रेट है निफ्टी का, तो फ्यूचर का रेट का जो ये रेट है यहाँ से अगर डाउन हो जाएगा तो आपको ये
रणनीति बनाना है। मैं एक बार आपको कैश का प्राइस भी बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग कैश का चार्ट देखते हैं, तो कैश का चार्ट में क्या बॉटम साइड बना सकता है उस टाइम पे। कैश का बॉटम साइड में बना सकता है 14,057 14,060, यहाँ से लेके 14,050। आपको नियर अबाउट ध्यान देना है जो ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट में जाता हूँ, निफ्टी का कैश का चार्ट एंड फ्यूचर का चार्ट, दोनों चार्ट को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, जो ये एक लो बनाया था नियर अबाउट इसके पास, ठीक है, इसके पास अगर ओपन होता है और यहाँ से और थोड़ी नीचे, मतलब यहाँ से आपको 14,060 से लेके 14,050 इसका बीच में अगर ये ओपन होता है, और आपको वही रणनीति इसके ऊपर बनाना है कि एक 5 मिनट का कैंडल देखिए कहाँ लो जा रहा है। अब लो जा रहा है तो इसका हाई को ब्रेक होने के बाद बाई करेंगे। अगर जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं से रिकवरी आने लग रहा है तो आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट देखना है। 1 मिनट के चार्ट में अगर इस लो को ए बना दिया है, 1 मिनट का चार्ट अब इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इस लो का स्टॉप लॉस लेके अब इस हाई के ऊपर कॉल पोजिशन कैरी करेंगे, ठीक। आई थिंक निफ्टी का इससे ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर अगर जो टेक्निकल बातें क्या होता है, क्यों मैं ये सारे लेवल बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कौन सी लेवल होगा, देखो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल लेवल होगा, जो सपोर्ट लेवल होगा, वो होगा आपको 31,000 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 30,900। तो ये दो लेवल को देखिएगा, नियर अबाउट 30,900 जब आ जाता है तो आपको बैंक निफ्टी में क्या मिलेगा, एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 5 मिनट का चार्ट, अगर 5 मिनट का चार्ट इन्होंने डाउन और ब्रेक कर दिया है, तो सबसे जो लो सपोर्ट मैं क्लियर बता दिया हूँ, लो सपोर्ट है 30,900, ठीक है। 30,900 से एक बार रिबाउंस होना जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। कि अगर तेजी से 30,900 पहुंच जाता है, तेजी से 30,900 पहुंच जाता है, तो यहाँ से एक बार रिबाउंस होना चाहिए और वो 31,100 तक आना चाहिए, ठीक। अदरवाइज जहाँ पे ओपन होगा, मान लो 30,000 के आसपास ओपन हुआ, सॉरी 31,000 पे ओपन हुआ, 31,000 पे ओपन हुआ और ओपन होते ही ये रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया, तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी होगा। 1 मिनट को कैंडल को देखिए, 1 मिनट कैंडल का हाई, जो भी ऑप्शन प्राइस स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं, सपोज आप स्ट्राइक प्राइस चूज किए हैं यहाँ पे 31,500 का कॉल, 31,500 का कॉल जो आपको नियर अबाउट 120 रुपया के आसपास मिलेगा, ठीक है, 120 रुपया के आसपास मिलेगा, तो आपने 120 रुपया का 1 मिनट कैंडल देखिएगा, 1 मिनट कैंडल का हाई को ब्रेक होगा तो यहाँ पे बाइंग कीजिए। इसका जो लो होगा इसका स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज अगर वहां से और गिरता है निफ्टी तो आपको क्या करना है, 30,700 का जो पुट है इसका प्राइस लगभग 150 रुपये के आसपास ओपन होगा, तो इसको प्राइस को देखिए, जो 1 मिनट कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर ब्रेक करने के बाद बाइंग कीजिए। और बहुत बड़ा कैंडल अगर बना देता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इन तमाम पॉइंट को क्लियरली नोट डाउन करने के लिए आपको देखना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता है डीपली एनालिसिस, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, देर ना कीजिए, ताकि हर रोज बैंक निफ्टी में 5,000-10,000 नुकसान करने से बेटर है कि एक बार आप 7,000 रुपये से सीख लीजिए, सीखने के बाद ही ट्रेड करना शुरू कीजिए, ताकि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक का पिन पॉइंट पता चल जाए। मैं यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहूँगा, टाइटन एंड जुबिलियन फूड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और टाटा स्टील भी अगर एक गिरावट आ जाता है तो गिरावट का सपोर्ट लेके जब बाउंस बैक होगा, तब हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपको हमेशा मैं हर वीडियो में दिखाई देता हूँ, जो टेलीग्राम चैनल पर फ्री में पेड सर्विस से भी बेहतरीन कॉल देता हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह अपडेट में इससे ज़्यादा और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और आगे निफ्टी कैसे रह सकता है इसके ऊपर आज दोपहर को 1:30 में मैं लाइव में आऊँगा, और वहाँ पर आप लोगों के साथ और भी सारे डिस्कस होंगे। तो 1:30 में लाइव में आने के लिए मत भूलिएगा, ताकि आपको लाइव मार्केट के ऊपर आगे का स्थिति के ऊपर क्लियर समझा पाऊँ। तो जिन लोग बेल आइकन नहीं दबा पाए हैं, इन लोगों को ये वीडियो 9 बजे से पहले नहीं देख पाएंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।